thank you

we will see the power of rbi to make regulations then we will see the rbi regulation for capital account transaction and in this regulation we will see the permissible account capital account transaction for pri person resident in india then permissible capital account transaction for pro that is person resident outside india and then we will see prohibited capital account transaction for PRO. After that, we will see regulations relating to acquisition and transfer of immovable properties situated outside India. And after that, acquisition and transfer of immovable property situated in India. And here we will see the various categories first acquisition and transfer by pro who is a citizen of india by pro who is of indian origin then acquisition and transfer for establishment of office or branch in india and lastly acquisition and transfer of immovable property for business in india चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू ई ये आपको एग्जाम में भी कोट करना है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सो एज पर दिस डेफिनेशन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर्स विच ऑल्टर्स द एसेट्स एंड लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और विच ऑल्टर एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया डेफिनेशन को अच्छे समझ लीजिए इंडिया में अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो इस पीआरआई की जो एसेट्स लायबिलिटी या कंटिजेंट लायबिलिटी जो बाहर आउटसाइड इंडिया को ऐसा ट्रांजेक्शन जो अल्टर कर दे उसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहेंगे या फिर कोई पी है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया उसकी एसेट्स लाइबिलिटी इन इंडिया को जो अल्टर कर दे ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहेंगे सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रिलेट टू मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड स्पेसिफिकली इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी ये डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में आती है और आपको विथ एक्सप्लेनेशन इसे लिखना है अब हम देखेंगे रेगुलेशन बनाने की पावर जो दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन सिक्स ऑफ फेमा तो सेक्शन सिक्स क्या कहता है एस पर सेक्शन सिक्स ऑफ फेमा आरबीआई में इन कंसल्टेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड दर्मिशिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड द लिमिट अप टू विच फॉरन एक्सचेंज विल बी अलाउड फॉर सच ट्रांजेक्शन बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट रेगुलेशन तो आप यहां देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए जो होल सोल अथॉरिटी है वो आर बी आई है इसके लिए रेगुलेशन बनाएगी इन कंसल्टेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट करंट अकाउंट में इसका ठीक उल्टा था। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई तो यहां पर आरबीआई कैपिटल अकाउंट के लिए आरबीआई मेन अथॉरिटी विच विल फ्रेम द रेगुलेशन इन कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूजिंग दिस पावर आरबीआई हैज मेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल अकाउंट ट्रांजेक्शन रेगुलेशन टू थाउजेंड अब हम देखेंगे डिटेल में वॉट दीज रेगुलेशन स्टॉक्स अबाउट सो वी आर गोइंग टू कवर फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिशिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रेगुलेशन टू थाउजेंड फर्स्ट वी विल सी दर्मिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो पहले हम बात कर रहे हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की, की ये PRI, कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंटर कर सकता है सो अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में एंटर फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू रेगुलेशन मेड इन दिस रिगार्ड पहला है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी में वो इन्वेस्ट कर सकता है दूसरा फॉरेन करेंसी लोन ले सकता है इंडिया से या बाहर से देन ट्रांसफर कर सकता है इमुएबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया गारंटी इश्यू कर सकता है इन फेवर ऑफ पीआरओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या होल्ड कर सकता है करेंसी लोन एंड ओवरड्राफ्ट ले सकता है फ्रॉम पी आर ओ एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया तो ये मेंटेन भी कर सकता है फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर इसके बाद फर्दर ही इज अलाउड टू टेक इंश्योरेंस पॉलिसी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया

ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, ध्यान से देखना ही कैन सेल परचेज फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव इन इंडिया एंड अब्रॉड दोनों जगह एंड कॉमोडिटी डेरिवेटिव अब्रॉड इंडिया में नहीं कॉमोडिटी डेरिवेटिव यू कैन सेल एंड परचेज अब्रॉड अब ये जितने भी 11 पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका काम है इसे एक अच्छे से चिट में लिख लीजिए और सुबह शाम देखिए जिससे कि याद हो जाए इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वॉट आर द परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ पी या फिर इसके ऊपर केसेस आ सकते हैं अब सेकंड फेज में हम देखेंगे परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ पी आर ओ यानी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया भी परमिटेड है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए बट वॉट आर दोज ट्रांजेक्शन हमें देखना है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया में एंटर इनटू फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन सब्जेक्ट टू आरबीआई रेगुलेशन तो पहला है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन बॉडी कॉरपोरेट तो जो पी है वो इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन बॉडी कॉरपोरेट की सिक्योरिटीज में अगेन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल ऑफ ए फर्म प्रोप्राइटरीशिप कंसर्न और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन इंडिया तो इंडिया में कोई फर्म है प्रोप्राइटरीशिप है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी में कोई है, उसको एक्वायर कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है सब्जेक्ट टू रेगुलेशन कैन गिव द गारंटी इश्यू इन फेवर ऑफ पी आर आई पी आर आई के फेवर में गारंटी भी दे सकता है देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी फ्रॉम एंड टू इंडिया इंडिया से करंसी का कर सकता है या इंपोर्ट कर सकता है, in तो है इंडिया में एंड लास्टली ही कैन रेमिटेड रेमिट द कैपिटल एसेट फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया इंडिया से बाहर वो रेमिट कर सकता है अपनी कैपिटल एसेट को तो अगेन इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द परमिशिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर पीआरओ तो ये सातों पॉइंट आपको अच्छे से मग करना है और एग्जाम में लिखना है या फिर इसके ऊपर केस भी आ सकता है नाउ लेट्स सी द रेगुलेशन विच प्रोहिबिट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर पी जिसको प्रोहिबिट किया हुआ है ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन देखेंगे दिस रेगुलेशन सेज दैट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट रूल्स और रेगुलेशन यानी जब तक की एक्ट रूल्स और रेगुलेशन में स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड नहीं किया जाता तब तक नो पी आर ओ नो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शेल मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन एनी एंटिटी विच इज एंगेज इन फॉलोइंग एक्टिविटीज मग करना है आपको ये सारे पॉइंट पहला है ऐसी एंटिटी जो एंगेज है चिटफंड एक्टिविटी में या निधि कंपनी में या फिर एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटी में या फिर रियल इस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में या फिर विच इज एंगेज इन ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट तो ये पांचों पॉइंट मत कर लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर पी और इसके ऊपर केस भी आ सकता है अब हम देख लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट कई लोगों को नहीं पता होगा वैसे इसका मतलब तो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट क्या होता है जब कभी भी गवर्नमेंट किसी जमीन को प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो उसके बदले में उसको वो कुछ प्रॉपर्टी के राइट्स देती है जमीन और मुआवजा या दूसरी जमीन अवेलेबल करा के देती है तो वो पर्सन उसको सेल कर सकता है और दूसरा पर्सन उसको एक्वायर कर सकता है तो इसी को कहते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट ये एक एग्जाम्पल है इसका तो यहां पर पीआरओ इस तरह के राइट्स को एक्वायर नहीं कर सकता नाव वी विल मूव टू फ्यू मोर रेगुलेशन रिगार्डिंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस तो सबसे पहला जो रेगुलेशन हम देख रहे हैं वो है एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो एक्वायर कौन कर रहा है यहां पर पी आर आई तो लेट सी अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है उसको बाहर कोई इमुएबल प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर है वो एक्वायर या ट्रांसफर करना है तो रेगुलेशन क्या कहते हैं तो लेट सी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया वुड रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो पहले तो ये रेगुलेशन ये कहते हैं कि नहीं नहीं अगर पी आर आई को बाहर की कोई इमुएबल प्रॉपर्टी एक्वायर ट्रांसफर करनी है तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लगेगा फिर उसके बाद ये कहते हैं हाउ एवर फिर ये कहते हैं हाउ एवर द अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस तो इन केसेस में आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है पी को तो देख लेते हैं ये कौन से पांच केस है जिसमें आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा पी को पहला केस इफ पी आर आई इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी एज ए फॉरन सिटीजन तो पी आर आई अगर फॉरन सिटीजन है तो ही कैन होल्ड द प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सेकंड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय पर्सन ऑन और बिफोर एथ जुलाई 1947 बहुत पुरानी डेट है उसके पहले ही आपने एक्वायर कर रखी थी एंड इट वाज हेल्ड विद द परमिशन ऑफ आरबीआई तो उसको एक्वायर या ट्रांसफर वो कर सकता है या फिर थर्ड पॉइंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम द पर्सन रेफर्ड इन क्लॉस टू द क्लॉस टू में जिस पर्सन ने एक्वायर की थी उससे आपको एज अ गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिल रही है तो भी आप उसको एक्वायर कर सकते हैं फोर्थ है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम एनी पर्सन एक्वायर्ड हेल्ड ओन सच प्रॉपर्टी व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इस so, पॉइंट में इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने वो प्रॉपर्टी एक्वायर की थी व्हेन ही वाज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया तो ऐसे पर्सन से आप एज ए गिफ्ट या इनहेरिटेंस ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर्टी परचेज आउट ऑफ हेल्ड इन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट तो रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो फंड्स हैं उसको यूज करके आप विदाउट प्रायर अप्रूवल आउटसाइड इंडिया जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड इमवेबल उसको एक्वायर कर सकते हैं तो ये पांचों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है केस लॉ आ सकता है जाते-जाते ये रेगुलेशन ये भी कहते जाते हैं कि अगर आपने इमवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्वायर की है एज पर एनी ऑफ दी अबो फाइव पॉइंट्स तो आपके पास अधिकार है कि आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट गिफ्ट दे सकते हैं अपने किसी रिलेटिव को हु शुड बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो पीआरआई जो आपका पीआरआई पर्सन है वो आपका रिलेटिव है होना चाहिए उसको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं अब देखेंगे हम एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ रिमुबल प्रॉपर्टी इन इंडिया इसमें सबसे पहला केस देखेंगे एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय पीआरओ हु इज अ इंडियन सिटीजन तो ऐसा पीआरओ जो इंडियन सिटीजन भी है क्या वो इंडिया की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है तो लेट्स सी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया मे एक्वायर एनी इमुएबल प्रॉपर्टी इन इंडिया Other than, ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है एक्सक्लूजन अदर देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस तीन एक्सक्लूजन है इसको अच्छे से आप याद रखना तो ऐसा पी आर ओ जो इंडियन सिटीजन है वो इमोएबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है इंडिया में अदर देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस यू कैन ट्रांसफर एनी इमोबल प्रॉपर्टी इन इंडिया टू पी आर आई टू अनादर पी आर आई तो किसी दूसरे पी आर आई को वो प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर सकता है देन देन ही कैन ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी अदर दिस तो अभी जो हमने देखे अदर देन दिस अदर देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस टू अर ओ तो इन प्रॉपर्टीज को छोड़ के वो पी आर ओ को भी ट्रांसफर कर सकता है इधर अटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो ऐसे पी आर ओ को ये ट्रांसफर कर सकता है अदर देन ये एक्सक्लूजन जो इंडिया का सिटीजन हो या फिर इंडियन ओरिजिन हो साथ ही जाते जाते ये भी कहते हैं रेगुलेशन इफ सच ए सेट इज सोल्ड बाय दिस पी आर ओ देन दिस अमाउंट कैन बी रिपेट्रिएटेड ऐसा अमाउंट जो भी उसको मिलेगा वो उसको रिपेट्रिएट भी कर सकता है अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन ओरिजिन का पर्सन है तो ऐसा पीआरओ जो इंडियन ओरिजिन का है क्या वो एक्वायर या ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी इंडिया में यस अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया में एक्वायर इमुएबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन वापस एक्सक्लूजन है इनको छोड़ के अदर देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस बाय वे ऑफ परचेस गिफ्ट और इनहेरिटेंस तो यह जो एक्वायर करेगा ऐसी प्रॉपर्टी या तो परचेस के थ्रू गिफ्ट के थ्रू या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू ही कैन ट्रांसफर एनी इमुएबल प्रॉपर्टी अदर देन फॉलोइंग अदर देन वो ही एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी प्लांटेशन प्रॉपर्टी एंड फार्म हाउस बाय वे ऑफ सेल तो यह जो प्रॉपर्टी है इसको सेल भी कर सकता है टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पी आर आई को यह सेल भी कर सकता है अगेन ही कैन ट्रांसफर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस बाय वे ऑफ गिफ्ट और सेल टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इज अटिजन ऑफ इंडिया तो जो जो बैंड आइटम्स है जैसे कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी प्लांटेशन या फार्म हाउस को अगर उसको ट्रांसफर करना है लेकिन यह पी आर आई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए अगेन इफ सच प्रॉपर्टी सोल्ड बाय सच पर्सन पी आर ओ इज इज ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर वो इसको सेल करता है तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट इन कैन बी रीपैट्रिएटेड अब यहां पर एक जो पॉइंट है जिसके ऊपर केस आ सकता है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए सिटीजेंस यहां सिटीजन की बात कर रहे हैं ध्यान से देखिए सिटीजन ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान चाइना नेपाल ईरान भूटान याद कर लेना है सर कैन नॉट एक्वायर इमोवल प्रॉपर्टी इन इंडिया विदाउट स्पेसिफिक प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई हाउएवर फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है हाउएवर डीज पीपल मीन्स दे कैन एक्वायर इमोवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय वे ऑफ लीज फॉर अ पीरियड अप टू फाइव ईयर्स विदाउट आरबीआई अप्रूवल तो डायरेक्ट एक्वायर करना है तो आरबीआई का परमिशन लगेगा लेकिन लीज लेना है पांच साल के लिए तो आरबीआई के परमिशन की जरूरत नहीं है सीधे सीधे केस इसके ऊपर आ सकता है अब बात करते हैं ऐसे पीआरओ की जो इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहता है क्या एस्टेब्लिश करना चाहता है ब्रांच ऑफिस लाइजन ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस और एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वो एस्टेब्लिश करना चाहता है

फिर से ट्विस्ट नो अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर बैंकिंग कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी ओपन करना है तो उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है इफ सच कंपनी हैज ऑपटेन द नेसेसरी अप्रूवल अंडर अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके लिए भी आरबीआई के पास ही जाना पड़ता है तो बैंकिंग रेगुलेशन में अगर आपको परमिशन मिल गई है तो फिर से आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है फॉर बैंकिंग कंपनी फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और एंटिटी ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान ईरान चाइना हांगकॉग मकाउ कैन नॉट एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफिस लाइजन ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफिस एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस बाय वट नेम कॉल्ड विदाउट अ प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई तो वर्ड पे ध्यान देना यहां पर अगर आप सिटीजन हैं या फिर एंटिटी हैं सिटीजन या एंटिटी ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज देन आपके लिए आरबीआई की परमिशन मस्ट है अब बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस आप इमोएबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं पीआरओ ओ एक्वायर करना चाहता है इमोएबल प्रॉपर्टी

RBI रेगुलेशंस पहले से एक्वायर कर रखा है देन सच पीआरओ कैन एक्वायर एनी इमूएबल प्रॉपर्टी इन इंडिया व्हिच इज अगेन ध्यान देना नेसेसरी फॉर और इंसिडेंट टू कैरिंग ऑन सच एक्टिविटी तो ये जो बिजनेस है आपने जो एस्टेब्लिश किया है यहां पर ब्रांच ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस इसके लिए जितनी जरूरत है जितनी जरूरत है उतनी प्रॉपर्टी उतनी ही इमूएबल प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं इसके बाद द पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी इन इंडिया आई शेल फाइल अ डिक्लेरेशन तो अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है अपने बिजनेस के लिए ऑफिस के लिए तो ऐसे में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा टू आर बी आई विद इन नाइनटी डेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एंड इफ सच प्रॉपर्टी सोल्ड द सेल प्रोसीड कैन बी रिपेट्रिएटेड ओनली विद्रायर परमिशन ऑफ आर बी आई और अगर इसको आपने सेल कर दिया और आप इसको लेके जा रहे हैं बाहर तो ऐसे केस में यह प्रोसीड बाहर ले जाने के लिए आरबीआई का अप्रूवल लगेगा अभी जितने भी पॉइंट बताए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन केस आता है आपको एटलीस्ट दो से तीन बार इसको रिवाइज करना चाहिए